是啊，他एक ये कवि की अभिलाषा है, महापुरुषों की यह जो इच्छा है क्या है, और ऊपर नित्य रहूं लटका अपनी वनमाल का फूल बना दे, लहरें टकराती रहे जिसमें कमनीय कलिंद का कुल बना दे, कर कंज से थामते हैं जिसको उस वृक्ष कदंब का मूल बना दे, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे। ब्रजराज की महिमा है। सभी लोग बोलें में धूल बनू मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की रज में धूल सब जानते हैं मिट्टी है, कृपा करो महाराज, ऐसी दया करो महाराज। रज में धूल बनू मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ओ ब्रज की रज में धूल बनू मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। धूल बनू हरि चरणन पागू, धूल बनू हरि चरणन पागू। ब्रज रज बनेंगे इससे क्या लाभ है, इससे कृष्ण के चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त होगा। और उड़ उड़ के अंगन में लागू, उड़ उड़ के अंगन में लागू, बार बार ये ही वर मांगू, बार बार ये ही वर मांगू, बार बार ये ही वर मांगू, सब दुख जावे भाग। हाँ, मोपे विहरे श्याम राधिका, सब दुख जावे भाग। रज की रज में धूल बनू मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। रज की रज में ऐसी
धूल क्यों बने, क्या है इसकी महिमा, कल आपको बताया। जिस रज का, जिस धूल का स्पर्श पाते ही स्वयं मुक्ति भी मुक्त हो जाती है, ऐसा इसमें चमत्कार है। और बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, सिद्ध लोग भी इस ब्रज रज की कामना करते हैं कि यह ब्रज रज हमें प्राप्त हो। उद्धव जी ने इस ब्रज रज की कामना की, आशा महो चरण रेण श्याम अहंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम, कुछ भी पत्ता घास हमें प्राप्त हो जाए जिससे इन ब्रजवासियों की चरण रज का स्पर्श हमसे हो और हम स्वयं इतने बड़े ज्ञानी। उद्धव जी महाराज जो बृहस्पति जी के शिष्य थे, वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं उस रज का स्पर्श पा करके और धन्य हो जाऊं। तो ऐसा चमत्कार है इस ब्रज रज में, इसलिए सभी लोग बार बार ये ही वर मांगो, बार बार ये ही वर मांगो, इसलिए बार बार यही वर यदि ठाकुर जी कहें वरदान मांगने के लिए तो एकमात्र यही वर है। कैसा चमत्कार है इस रज में, कोमल चरण राधिका प्यारी, कोमल चरण राधिका प्यारी, उर धरी से मैं छल बिहारी, उर धरी से मैं छल बिहारी। जिन चरणों को श्री राधा रानी के जिन चरणों को श्री कृष्ण अपने हृदय में धारण करते हैं और ऐसा उस चरणों में ऐसा प्रभाव है श्री राधा रानी के उन चरणों में जिनको स्वयं भगवान भी अपने हृदय में रखते हैं, तो इसलिए वे चरण जब उस रज का स्पर्श पाते हैं तो समझिए कितना प्रभाव होगा उस रज का जिन चरणों को स्वयं श्री कृष्ण अपने हृदय में रखते हैं। और बाको पाऊं बनू धन्य वृंदावन रस सरताज, वाको पाए बनू धन्य वृंदावन रस सरताज, रज की रज में बनू मैं ऐसी कृपा करो महाराज, रज की कृपा करो महाराज, ऐसी दया करो महाराज, कृपा करो महाराज, ऐसी दया करो महाराज, रज की रज में धूल बनू मैं ऐसी कृपा करो महाराज, रज की रज में धूल बनू मैं ऐसी प्रभाव कहां से आया इस रज में। रज में खेले रंग मचावे, रज में खेले रंग मचावे, रज में हिल मिल रास रचावे, रज में हिल मिल रास रचावे, रास भी भगवान इसी रज में मचाते हैं रचाते हैं। और रज में फूलन सेज बिछावे, रज में फूलन सेज बिछावे, कल आपको बताया कि भगवान की लीला किसी बिल्डिंग में नहीं हुई, ना किसी सीमेंट के मकान में हुई, लकड़ी के मकान में हुई, कुंजों में और इस ब्रज रज में ही भगवान की लीलाएं संपन्न हुई। तो ऐसा प्रभाव इस ब्रज रज में कहां से आया, तो यही महिमा है इस ब्रज रज की। और रज में करे विलास जुगल मिली जाने रसिक समाज, रज में करे विलास जुगल मिली जाने रसिक समाज, केवल रसिक लोग ही इसकी महिमा को जान सकते हैं, इस रज की महिमा को। रज की रज में धूल ऐसी कृपा करो महाराज,
की रज में धूर बनू मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की धूल शाम को प्यारी, ब्रज की धूल शाम को प्यारी। हमारे कन्हैया को बड़ी प्रिय है यह ब्रज रज, क्योंकि यदि कोई ब्रज रस प्राप्त करना चाहे, ब्रज रस यदि किसी को चाहिए तो वो ब्रज रज के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं है। ब्रजरस केवल ब्रज रज में ही है, और उस ब्रज रज की प्राप्ति के लिए स्वयं परमानंद घन भगवान भी बालक बने, उस रज में विहार किए। कृष्ण जब उस रज में लौटते थे और खेलते थे बाल बालों के साथ, तो जब घर पे आते तो माता उस धूल को झड़कार दिया करती थी, हटा दिया करती थी। कृष्ण को अच्छा नहीं लगता था। कृष्ण ने सोचा, मैं तो ब्रजरस की प्राप्ति के लिए यहाँ आया हूँ, और ऐसे माता रोजाना इसको हटा देती है, ये तो रस है ब्रज का। तो उन्होंने एक दिन यमुना जी के किनारे एक ब्रह्मांड घाट नामक स्थान है, वहाँ पर एक मिट्टी का छोटा सा पानी डेला, हमारे यहाँ ब्रज में बोलते हैं, एक पीस लेकर के मिट्टी का, और उसको खा गए। अब घर पे आए, मैया यशोदा ने खूब फटकारा, ग्वाल वालों ने शिकायत की, तो नाहम भक्षितवान अम्ब, एक शब्द आता है भागवत में कि मैया मैंने नहीं खाई मिट्टी। तो ऐसा बता रहे थे, ऐसा चमत्कार है इस ब्रज रज में जो ब्रज रस की प्राप्ति करा देती है। तो इसलिए जो भी ब्रज रस प्राप्त करना चाहें उनको ब्रज रज की कामना अवश्य करनी चाहिए, ऐसा प्रभाव है इस ब्रज रज में। ब्रज की धूर शाम को प्यारी, ब्रज की धूर शाम को प्यारी, आई बाल कृष्ण मुख डारी, हाय बाल कृष्ण मुख डारी, धमकावे यशोदा महतारी, धमकावे यशोदा महतारी, माखन दूध दही तजिरो रज खावन के काज, माखन दूध दही तजिरो खावन के काज। ब्रज की रज में धूर बनू मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की रज में धूर बनू मैं, छप्पन भोग छोड़ करके मिट्टी खाने के लिए रोते हैं। ब्रज की रज में धूल बनू मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की रज में धूल बनू मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। कृपा करो महाराज, ऐसी दया करो महाराज। रज में धूल बनू मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। रज की रज में धूल बनू मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की रज में धूल बनू मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। रज की रज में धूल बनू मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। महाराज ऐसी दया करो महाराज, ब्रज की रज में धूल बनू मैं, ऐसी कृपा
श्री रज महारानी की जय।